हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट बताऊं जिसकी हेल्प से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों इफ़ेक्टिवली रिमूव हो। ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लाऊं जो मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद है और इफ़ेक्टिव भी उतना ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं इनिसफ्री जेजू वोल्केनिक ब्लैकहेड 3-स्टेप प्रोग्राम की। तो ये जो है, ये एक इनिसफ्री का बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है ₹200। आपको अमेजोन पे ये काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो जैसे लिखा है, ये एक 3-स्टेप प्रोग्राम है। तो 1, 2 एंड 3, तो ये एसेंशली 3 सेपरेट पैक्स हैं एक पूरे पैक में। आपने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी क्लिप अटैच कर रही हूँ जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये यूज़ कैसे किया है। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास एक नो स्ट्रिप जैसा कॉटन पैड है और उसमें टोनर जैसा एक सब्सटेंस है। तो वो नो स्ट्रिप जो है आपको आपके नोज़ पे लगा देना है और उसे आपको ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स ऐसे ही रखना है। वो आपके पोर्स में से सीबम को बाहर निकालता है और उसे निकालने में मदद करता है। बस 15 मिनट्स के बाद आप उसे निकाल दें और उसी स्ट्रिप से आप हल्के से जो एक्स्ट्रा टोनर है उसको आप निकाल दें प्रॉपरली, और निकालने के बाद फिर आप जो नो स्ट्रिप है आप उसको फेंक सकते हैं। फिर एक गीला कपड़ा लें और गीले कपड़े से हेल्प से आप अच्छे से आपके नोज़ को पोंछ लें और हल्का गीला ही रहने दें आपका नोज़, क्योंकि हमें वो नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। अगले स्टेप में हमें ये ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप दी है, तो उसे आप उसके अटैचमेंट से निकाल लें और अपने नोज़ पे अच्छे से उसको स्टिक कर लें। मेक श्योर कि आपके ब्लैकहेड्स जहाँ पे हैं वहाँ पे आप इसको अच्छे से लगा दें और मेक श्योर वो अपनी जगह पे अच्छे से फिट हो जाए। 15 टू 20 मिनट्स होने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसे धीरे धीरे ही निकालें, एकदम से नहीं निकालें, ताकि ये ब्लैकहेड्स जो हैं वो आसानी से निकल आए। ये ब्लैकहेड्स के साथ वाइट हेड्स भी बहुत इजीली निकालता है। एंड वी आर डन। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द ब्लैकहेड रिमूवल स्ट्रिप। कमिंग टू द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ द 3-स्टेप प्रोग्राम, ये एक सीरम टाइप मास्क है और प्रॉपर सीरम है इसमें। प्रॉपरली हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग है ये, एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर एंड इफ़ेक्टिव लास्ट स्टेप। अगेन 15 मिनट्स होने के बाद आप इसको निकाल लें और बचा हुआ जो सीरम है उसको आप उस स्ट्रिप से निकाल लें एंड उसके बाद आप ये फेंक सकते हैं। एंड विद दैट वी आर फाइनली डन। ये ध्यान आप ज़रूर रखें कि आप 20 मिनट्स होने दें, क्योंकि आप उतने अगर ड्यूरेशन के लिए उसको रखते हैं ना, तो आपके जो ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन आप अराउंड 10-12 मिनट्स रखेंगे तो वो उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता। तो जैसे आप वो निकालेंगे, यू विल इमीडिएटली सी कि आपके नोज़ में से जो भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो निकल आए हैं, एंड यू विल इमीडिएटली सेंस अ डिफरेंस इन द टेक्सचर ऑफ योर नोज़। मैंने जितने भी ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं, मुझे ये सबसे ज़्यादा उसमें यूज़फुल लगा है। मुझे तो काफ़ी फ़र्क दिखता है आफ्टर यूजिंग दिस। लाइक 80 to 85% ब्लैक हेड्स आपके रूट से निकल जाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। सिर्फ एक बात है, आपको जो पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पीछे प्रॉपरली, अगर आप नीचे देखेंगे वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मेंशनड है। आपको अगर बस वो आप एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लें तो योर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स विल बी इफ़ेक्टिवली क्लियर्ड। आई एब्सोल्युटली लव दिस, आई स्वेयर बाय इट। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने में मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और ऑनेस्टली ये 200 है, आपको लगेगा कि ये महंगा है, बट दिस वर्क सो वेल कि आप आई थिंक 1 to 2 मंथ्स में अगर आप एक बार भी यूज़ करें ना,
तो ये काफ़ी हो जाता है. तो फॉर मी डेफिनेटली दिस इज़ एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट और मैं ये टाइम एंड अगेन रीपर्चेस करती ही हूँ. तो दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है ये प्रोडक्ट को लेके तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिस गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. I will see you in my next video. Till then, bye-bye.